का चीज तो है नहीं कि हाँ चलो तुरंत खरीदो, तुरंत जाकर के शिफ्ट हो जाए, तुरंत सब कुछ हो जाए। तो किट्टो सारे मसाले तैयार कर दे रही है ताकि खाना टाइम से बन जाए, और चाय हाँ मेरा बन रहा है, चाय भी छान रही है, सब्जी बनने की तैयारी हो रही है। हाँ, एक ही चैनल पे आता है। हाँ, कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य, भाग्य लक्ष्मी डिफरेंट है। इसका ब्लाउज देखिए, पहले इस कलर का ब्लाउज। आप सबका स्वागत है अमित एंड किट्टो जयसवाल के यूट्यूब चैनल पे। तो ये अभी अभी जस्ट आए हैं ऑफिस से और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी के कागज़ वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो 1 रुपया 2 रुपये का चीज़ तो है नहीं कि हाँ चलो तुरंत खरीदो, तुरंत जा कर के शिफ्ट हो जाए, तुरंत सब कुछ हो जाए। है तब पर भी वो चीज़ अभी हम आपको नहीं, आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं। तो उसी के सिलसिले में ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम अभी मुझे सुबह लेकर गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास आने के बाद फिर ये गए ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद वहाँ भागम दौड़म, क्योंकि हम लोग एक दिन जाते हैं तो पता चलता है कि कितना ज़्यादा इंसान, मतलब एक ही दिन में हम लोग थक जाते हैं। और ये तो सोचिए एक हफ्ता क्या 10-12 दिन से कंटिन्यू इतना दौड़न धूप, इतना दौड़न धूप मच रहा है, तो क्या शरीर बताएगा, इतना मेहनत कर रहे हैं। और मेरे पास भी इतना था। रो रहे हैं क्या? नहीं, सर दर्द तिल रख दें, चाय बना दें? चाय बना दो, थोड़ा मुँह हाथ धो। काफ़ी देर, आज सुबह भी मैंने चाय बनाया था, तो आज फिर आज थोड़ा सा मैं इनके लिए चाय बना देती हूँ। बहुत टाइम बाद बनाएंगे, आज शाम को ना, पहले जब फिर तबीयत ठीक रहती थी मैं जैसे आता तो मेरे लिए चाय बना के रखती थी। मैं जानती थी इनको चाय पीने की आदत, मैं डेली इनके लिए चाय बना के रखती थी। इनके ऐसा नहीं है कि पीते हैं, और इनको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी मैं चाय बना के। और मुझे पता था कि इनको चाय चाहिए, इस टाइप की चाय। अब जब से मैं थोड़ा सा नहीं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा, मेरे को राहत मिल रहा है, तो अब मैं कल से कोशिश, आज से कोशिश कर रही हूँ कि डेली मैं इनके लिए अब चाय बना के ही रखूँ। अब शिकायत का, गर्मी में फिर कोई पीता नहीं, शिकायत का मौका नहीं देंगे अब नहीं, अब बना के रखेंगे ना, उतना भी दिल उतना भी प्रॉब्लम जब रहती है तो हम बोल देते, नहीं रहता तो कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, आप जाइए फ्रेश, अपना धुल धुल दीजिए, उसके बाद। तो हमारे यहाँ यूज़ होता है राजेश मसाला, किट्टो, तो किट्टो बना रही है चाय, बेहतरीन चाय बन रहा है। तुम्हारी चाय खुशबू ही अलग होती है किट्टो। उस दिन सचिन भाई का फोन आया था, बोले अदरक अमित भाई बहुत कम यूज किया करो, अदरक से पेट की दिक्कत होती, पेट में गर्मी होता है बहुत ज़्यादा। राजेश मसाला, तो किट्टो किस तैयारी हो रही खाने पीने, क्या क्या बना रहे हो? सब्जी लेने गए तो हमारे घर में गाइस ये वाला मसाला यूज होता है, ये गांव से आता है, यहाँ नहीं मिलता दिल्ली में, तो गांव से ही ये हम लोग उठा लाते हैं भर करके। ये मम्मी लाई, पापा लाए थे जब। हाँ, मतलब गांव से आता है, और मम्मी जब आई है ना इस बार ना। हाँ, पिछली बार हम लोग लाए तो उसे खत्म हो गया। ये देखेंगे ऑनलाइन, अगर हो तो ऑनलाइन मंगाएंगे, और क्या करेंगे। अभी दीपक भाई आएंगे तब तुम्हारी ला देंगे मसाले, तो ये मसाला ठीक रहता है, पिसवाने की जरूरत नहीं है ना, और बहुत टेस्टी मसाला भी है। तो किट्टो सारे मसाले तैयार कर दे रही है ताकि खाना टाइम से बन जाए, और चाय हाँ मेरा बन रहा है, चाय भी छान दे। धुलने के बाद जब फ्रेश हो जाते हैं तो मुँह हाथ धुल लेते हैं तो थोड़ा सा ठीक लगने लगता है। किट्टो मेरे आँख एकदम अंदर घुसी जा रही है जैसे लग रहा है, समझ रही हो? इधर पीछे तुम भी बीमार थी, तुम्हारी टेंशन और इधर फिर उसकी टेंशन, दौड़म धूप मचा हुआ है, हम सही से खाना भी नहीं खा पा रहे ना। और तुम उस दिन हम काम कर रहे थे, किट्टो खाना खिला रही अपने हाथ से, ऐसे हो रहा था, और फिर भाग जाते हैं, फिर आते हैं शाम को, शाम को जो खाते हैं वो खाते हैं, फिर भी कहाँ खा पाते हैं। तो ये मेरी चाय है और ये मेरी बीवी है, मेरी प्यारी बीवी, लव यू किट्टो, आप हमेशा हमारे सुख दुख में साथ रहते हो। और कभी कभी सोचते हैं ना, तुम हो तो ही ये सब चीज़ें हैं, तुम ना होते तो ये सब ना होता। तुम्हारे आने से बहुत कुछ है मेरी ज़िंदगी में, पता नहीं बाबू।
चाय पी लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। सो गाइस चाय वगैरह पी लिया गया, थोड़ा सा राहत लग रहा है, बूस्टर का काम कर देता है चाय मेरे लिए। हर किसी की अपनी अपनी बॉडी नेचर होता है, तो थोड़ा सा मेरे को बचपन से ही चाय का थोड़ा सा आदत पड़ गया, घर पे मेरे सभी पीते हैं तो मुझे भी एक आदत सा पड़ गया है। चलिए चलते हैं, देखते हैं किचन सेक्शन में किट्टो क्या कर रही है। ओहो हो, किट्टो नहीं, क्या बन रहा है, पनीर सब्जी बन रही क्या, क्या हुआ, मच्छर काट लिया। नमक याद रखना, नमक तुमने मिला दिया था, भूल ना जाओ। तो आज पनीर की सब्जी बनने की तैयारी हो रही है। मटर फ्रोजन वाला हम लोग ना के बराबर खाते हैं, हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं फ्रोजन मटर, फ्रेश मटर अच्छा होता है, फ्रोजन मटर भी अच्छा नहीं होता। तो किट्टो, वाह आज तो पनीर काफी अच्छा लग रहा है किट्टो रानी, तुम्हारे लिए अच्छा। किट्टो रानी कल पार्टी में बहुत एंजॉय की हो तुम, हम देखे थे तुमको चोरी चोरी, खूब एंजॉय की हो तुम, बहुत एंजॉय। सीरियल कम देखा करो, तुमको मना करते हैं सीरियल कम देखा करो, ऐसे लोग बोलेंगे कि ब्लॉग भी कम देखा करो, तब बताओ। ऐसा नहीं है बाबू, जिसका जो फेवरेट होता है वो देखेगा ही। ऐसे मेरा फेवरेट क्या है, मेरा सीरियल 4-5 हम देखते हैं। कौन कौन सीरियल देखती हो तुम, ऐसे लोगों का ब्लॉग इतना ज्यादा कुछ भी हो जाए। तुम्हारा सीरियल फेवरेट सीरियल कौन कौन सा है, कुंडली भाग्य देखते हैं, कुमकुम भाग्य देखते हैं। ये कुंडली भाग्य अलग है, कुमकुम भाग्य अलग है, हाँ, जब दोनों में भाग्य ही है तो अलग अलग क्यों, कुंडली एक ही चैनल पे आता है। कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य, भाग्य लक्ष्मी, तीनों भाग्य वाला देखती हो, इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम फैमिलियर वीडियो है ना, अरे सीरियल है तो इसलिए मेरा पसंद है। तीन सीरियल देख लेती हो डेली, एक देखते हैं गुम है किसी के प्यार में, एक देखते हैं प्री, अरे मीत, ये 5 सीरियल देखते हैं। सो गाइस किट्टो जो जो सीरियल देखती है वो सीरियल कौन कौन लोग देखते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। तो हम तो न्यूज देखते हैं सीधे, बस सारा मैं फेसबुक पे देखती हूँ, सारा देख रहे हैं ना, यही तुम्हारा है ना अड्डा, वो तो प्रीति दीदी ने बताया था तब से मैं देख रही हूँ। फिर तुम बहुत बुरा रही हो घर में रहते रहते, क्या मतलब है सच्ची, अगर एक साड़ी है अच्छा लग रहा है देखें, अच्छा लग रहा है साड़ी, ये नॉर्मल साड़ी लेकिन अच्छी लग रही है देखने में, डिजाइन अच्छा लग रहा है। मैं जो मंगाती हूँ अच्छा ही मंगाती हूँ। तुम अच्छा ही मंगाओगी किट्टो रानी, बीबी किसकी हो, ऊपर फैब्रिक कुछ और है, नीचे फैब्रिक कुछ और है, ये बॉर्डर है, और बॉर्डर का फैब्रिक चेंज है ना, वही कह रहा हूँ कुछ दूसरा टाइप का है, ये साड़ी डिफरेंट है। इसका ब्लाउज देखिए पहले, इस कलर का ब्लाउज, ये रहा इसका ब्लाउज, चुनरी का भी स्टाइल ब्लाउज है, नहीं ये ब्लाउज नहीं है, तुम सरिया फैला दोगी पूरा, ये आंचल है, अब सिलवाना है तो फैलाना ही पड़ेगा, ऐसा ब्लाउज नहीं है ना मेरे पास, सिलवाना पड़ेगा, ऐसा ब्लाउज नहीं है तुम्हारे पास। टेलर भैया काम बढ़ गया, चलो एक ये और सूट देना है फिटिंग करने के लिए, तो दे दे, हम कल सुबह दे आएंगे उनको, बोलेना जल्दी ही दे देंगे। अच्छा लग रहा है, हाँ ये अच्छा लगेगा क्योंकि उनको सिंपल ही साड़ी आजकल पहनने का मन करता है, ज़्यादा नहीं होता सिंपल साड़ी, एवरग्रीन होती है किट्टो, कभी भी पहनो। हाँ भैया, हाँ ये ठीक है, तुम साड़ी तुम पहनो, ये कूड़ा कचरा हमको दे दो। अच्छा बहस बहुत करते, देखिए अभी वही साड़ी है, फिर टूट गया, एक मिनट। तो ये ढूंढने में लग गई अपना कि मुझे किसने ये साड़ी भेजी है, अभी तक नहीं पता चला किट्टो, नहीं पता चला। सो गाइस थोड़ा सा सर में भी मेरे हल्का फुल्का दर्द अभी भी है, तो
किट्टो ने चाय बना के पिला दी मुझे, पनीर की सब्जी बन गई है, अभी रोटी भाभी बना रही है, हम लोग अभी डिनर करेंगे कुछ देर के बाद। और आप लोग के यहाँ क्या आज बन रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किट्टो रानी की नई वाली साड़ी बन गया, किट्टो रानी की नई वाली साड़ी किसने भेजी, फाइनली उनको पता चल गया कि कहाँ से आया है। और इस वाले ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं, सुबह मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। और इस वाले ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। गुड नाइट।